बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज की इस वीडियो में हम दोबारा केएमयू नर्सिंग कैट 2021 का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। हमारे पास पहले एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर 150 केल्विन, यानी कि इनमें से कौन सा चॉइस है जो 150 केल्विन के बराबर है। पहले तो हम ये जानना चाहिए कि हम केल्विन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री बराबर है 273 केल्विन, ये अपने साथ लिख ले। तो हमारे पास 150 केल्विन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 150 केल्विन को माइनस करते हैं 273 केल्विन से, तब ये 150 कन्वर्ट होकर डिग्री में आ जाता है। तो 150 को जब माइनस करते हैं 273 को से, तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 423, ऑप्शन डी -423। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है जब 150 केल्विन को माइनस करते हैं 273 केल्विन से, तो डिग्री में कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर बी -123 डिग्री। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन मेटल इज अप्रोक्सीमेटली डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर में कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए 1500 मीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, द स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल इज, कौन सा ऑप्शन आता है, बी 5000 मीटर पर सेकंड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज़ अबाउट डैश। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है लिक्विड के फॉर्म में। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या ऑप्शन नंबर बी 19.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या सी 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या ऑप्शन नंबर डी 200 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन कैरी होता है हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है, ऑप्शन नंबर बी 19.6 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग ऑल इनकमिंग सेंसरी डेटा इज डैश। वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कंट्रोल करता है स्टिमुलाई को, जब हमारे सेंसर जो होते हैं वो सेंस करते हैं स्टिमुलाई को, जब ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाते हैं तो कौन उसे पहले स्क्रीनिंग करता है, किससे पहले पास होना ज़रूरी होता है। तो हाइपोथैलेमस है, या थैलेमस है, या सेरिबेलम है, या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है बी थैलेमस। थैलेमस को रिले स्टेशन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास थैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो स्टिमुलाई को कम करता है ताकि ब्रेन को डैमेज ना कर सके, तो इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एनिमल फैट्स आर इन्वेस्टेड एट रूम टेम्परेचर, यानी एनिमल के जो फैट्स है वो रूम टेम्परेचर पर किस शक्ल में होता है, सॉलिड में, या लिक्विड में, या गैस में, या प्लाज्मा में। तो हमारे पास जो एनिमल फैट्स है, या ह्यूमन फैट्स भी जिसमें आता है, तो हमारे पास सॉलिड है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे सैचुरेटेड फैट भी कहा जाता है, यानी कि सैचुरेटेड फैट होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज जब स्टोरेज फॉर्म में होती है प्लांट में तो उसको सेलुलोज कहा जाता है, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज जो होता है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या सिल्क होता है, या ऑप्शन नंबर बी क्या वूल होता है, या ऑप्शन नंबर सी क्या कॉटन होता है, या ऑप्शन नंबर डी पेपर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज के लिहाज से, तो प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज जो होता है वो कॉटन होता है, कॉटन ही जो प्लांट से हासिल होते हैं, तो प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर है 7, द एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हम जानते हैं कि एंजाइम का काम है रिएक्शन को इंक्रीज करना, प्रोसेस को इंक्रीज करना, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो किसके जरिए एंजाइम रिएक्शन को इंक्रीज करता है, क्या वो ऑप्शन नंबर है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी करता है, क्या वो डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी करता है, क्या वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी करता है, या ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, ऑप्शन नंबर
डी एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है रिएक्शन का, जब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारे पास चॉइस नंबर डी है। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एचआईवी बिकम्स एड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल बॉडी में एचआईवी जब एंटर हो जाता है तो डायरेक्ट एड्स काज नहीं करता, वो धीरे धीरे से एड्स को काज करता है। लेकिन एचआईवी कब एड्स बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए व्हेन इट अटैक्स द टी सेल, ऑप्शन नंबर बी व्हेन इट रिप्लिकेट द मैक्सिमम लेवल, ऑप्शन नंबर सी व्हेन इट डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो आप लोगों को इसमें कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी व्हेन इट डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल, जब ये क्या करता है, सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है तब एचआईवी एड्स में चेंज होता है, तो इससे एड्स काज होता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल बेस पर चलता है या फंक्शनल होता है, ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअल इंडक्शन पे, ऑप्शन नंबर बी सेल्फ इंडक्शन पे, ऑप्शन नंबर सी मोशनल ईएमएफ पे, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल साथ रखे जाते हैं, जब एक कॉइल में करंट को चेंज किया जाता है तो वो दूसरी कॉइल में भी करंट चेंज करने का काज होता है, जिसमें करंट प्रोड्यूस करता है। और सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, एक ही कॉइल होता है, उसमें जब करंट को इस तरह चेंज किया जाता है डायरेक्शन में तो उसको उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। और मोशनल ईएमएफ जब करंट की एक जगह पर कॉइल को मूवमेंट करते हैं तो दूसरी कॉइल पर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और जो इसमें आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि इस दो कॉइल साथ रखे जाते हैं, एक कॉइल में जब करंट को चेंज किया जाता है तो दूसरा भी करंट प्रोड्यूस करता है और करंट उसमें प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर आता है जो ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल होता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर है 10, द बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश। हमारे पास दो जब एटम होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो किस शक्ल में होती है, आयोनिक बॉन्ड में यानी चार्ज शक्ल में, या हाइड्रोजन बॉन्ड में, या कोवेलेंट बॉन्ड में, या बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास यहाँ पर आता है जब टू या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है दो एटम के दरमियान तो उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में सिंपल से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये अट्रैक्शन फोर्स है दो एटम्स के दरमियान। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 11, अ केमिकल कंपोनेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस इज डैश। वायरस का वो कंपोनेंट जो ऑल वायरस में प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी आरएनए। तो हमारे पास यहाँ आता है लिपिड्स। वायरस चूँकि हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर वाली कंपोजिशन होती है तो हमारे पास उसमें लिपिड्स कम्प्लेक्स नहीं होते, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास अगला एमसीक्यूज है द स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ द डैश। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है किसका पार्ट है, ऑप्शन नंबर ए ब्रेन का, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम का, ऑप्शन नंबर डी सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस भी कहा जाता है। सीएनएस में दो पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, जैसे कि हम जानते हैं एथेन में क्या होता है, एथेन में जब हाइड्रोक्सो ग्रुप अटैच होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो इतना एसिडिक नहीं होता जितना कि इनमें से पिनोल, ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि पिनोल में जो होता है रेजोनेंस होता है। जैसे कि पिनोल स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे, पिनोल बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पर ऑयज ग्रुप अटैच होता है तो उसकी वजह से उसमें रेजोनेंस फिनोमिना होता है, और रेजोनेंस फिनोमिना की वजह से इसकी ये खसूसियत हो जाती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट फॉर द वर्क। वर्क का एसआई यूनिट कौन सा है, एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जोल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट कौन सा है, न्यूटन।
और बी जोड़ का किसका यूनिट है, वर्क का। तो हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क जो होता है वो है जॉल। द एंजाइम्स फंक्शन आर ऑप्टिमम एट डैश, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो किस कब पीक पर होती है, ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, या स्पेसिफिक पीएच पर, या स्पेसिफिक कोपेक्टर एंजाइम पर, या ऑल ऑफ दिस पर। यहाँ पर तो सारे मैटर करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी तब भी ऑप्टिमम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो डिनेचर होता है। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है। हमारा अगला एमसीक्यूज है, एंजाइम आर बेसिकली डैश, एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, ए प्रोटीन्स होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस होते हैं। तो हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश। डॉट प्रोडक्ट जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का, तो किसके बराबर होता है। हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए पावर, ऑप्शन नंबर बी इम्पल्स, ऑप्शन नंबर सी कपल, ऑप्शन नंबर डी मोमेंटम। तो हमारे पास यहाँ आता है पावर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पावर को हम जानते हैं वर्क वर्क डिवाइड बाय टाइम, यानी कि जितना वर्क होता है स्पेसिफिक टाइम में तो उसे वर्क कहा जाता है। तो हमारे पास वर्क आर सी इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी डिवाइड बाय टी, और जब हम फोर्स को अलहदा करते हैं और डिस्टेंस डिवाइड बाय टी वेलोसिटी के बराबर करते हैं तो हमारे पास एफ वी आता है। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू एफ वी, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ वी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है पावर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 18, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बिकम डैश। जब वेलोसिटी किसी बॉडी की हाफ की जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। नंबर वन फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी फोर टाइम, ऑप्शन नंबर डी हाफ। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी। जब हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी को हाफ करते हैं तो वेलोसिटी की हाफ होने की वजह से वन ओवर टू आता है, और जब इस पर स्क्वायर लिया जाता है तो वन की स्क्वायर तो वैसे वन आती है, और जब टू की स्क्वायर ली जाती है तो फोर आती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन और फोर, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है वन फोर्थ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जैसे कि आप जानते हैं इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से जाहिर पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को जब मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है। हमारा अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ द मीडियम। लाइट के वो प्रॉपर्टी जो मीडियम की तब्दील होने से तब्दील नहीं होती, तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। आया फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट होती है, या ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है, या ऑप्शन नंबर सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, या ऑल ऑफ दिस। तो जब हम लाइट को एक मीडियम से पास करते हैं और दूसरे मीडियम में जब हम दोबारा पास करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं मीडियम को, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वही रहती है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, बाकी सब चेंज होते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जो होती है मीडियम को चेंज करने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है। हमारे पास अगला एमसीक्यू है 20, व्हेन साउंड वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर क्वांटिटी व्हिच रिमेन अनचेंज। जब साउंड मीडियम एक मीडियम से जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन सी क्वांटिटी या फैक्टर चेंज नहीं होती। नंबर ऑप्शन नंबर ए वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी स्पीड, ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिटी। तो हमारे पास जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मीडियम के चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट डिपेंड अपॉन डैश। सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है, यानी कि सॉल्यूट का जो हल होना होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर सी क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है,
ऑल ऑफ दिस, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो सॉल्यूट ज़्यादा हल होता है, या क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट को जब ज़्यादा करते हैं तब भी सॉल्यूट ज़्यादा हल होता है, या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को ज़्यादा करते हैं तब सॉल्यूट कम डिसॉल्व होगा। तो सारे जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है सॉल्यूट की। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। द ऑक्सीडेशन पावर ऑफ द हैलोजन डिपेंड अपॉन डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि हैलोजन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइजेस का मतलब है कि दूसरी मॉलिक्यूल या एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो हैलोजन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन लेने का जो पावर है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी ऑफ द डाइसेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास कौन सा आता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल, जब एनर्जी डाइसेक्शन यानी कि हम जब एनर्जी देते हैं गैस को, तो उसकी जो पावर होती है हैलोजन की, वो ऑक्सीडेशन पावर इंक्रीज होती है। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये चाहते हैं कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी जो होती है बहुत हाई होती है। और इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी भी अब इसकी जो आयन की जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वेपर प्रेशर लिक्विड की है वो डिपेंड नहीं करती, यानी कि लिक्विड की वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर की, नहीं, हमारे पास टेम्परेचर लिक्विड को की प्रेशर को चेंज करता है। या इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये भी नहीं आता, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स भी लिक्विड के प्रेशर को डिपेंड इफेक्ट करता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर अमाउंट ऑफ लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आता है, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना लिक्विड लेते हो। लेकिन ऑप्शन नंबर डी अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड, अगर हम कोई सॉलिड को डिसॉल्व करें लिक्विड में तो फिर भी इसके वेपर प्रेशर कम हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आता है, द अमाउंट ऑफ लिक्विड, जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करता किसी भी लिक्विड की। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 24। द प्रोसेस और द सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द हीट आर कॉल्ड डैश। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब सिस्टम को एनर्जी दी जाती है या एनर्जी ली जाती है तो वर्क डन करता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, यानी चेंज इन क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा था? आइसोथर्मल, नहीं, आइसोथर्मल में एनर्जी चेंज होता रहता है, यानी कि सेम एनर्जी सिस्टम लेता है और रिलीज भी करता है। ऑप्शन नंबर बी इक्विलिब्रियम, नहीं, क्योंकि ये भी इसी तरह आइसोथर्मल का एक प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी थर्मल प्रोसेस, नहीं, क्योंकि थर्मल प्रोसेस में क्या होता है, थर्मल एनर्जी दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी एडियाबेटिक प्रोसेस। जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस ये एक आइडियल गैस है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ द हीट ज़ीरो होता है। तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। आप लोगों को ये ज़रूर याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट डैश। हमारे पास सारे यहाँ पर जो मौजूद है ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन इनमें से एक है जो प्रोटीन इन नेचर नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हाउस, हाउस कैसे कहा जाता है, जो हॉर्स के जो पाँव होते हैं उन जो वो बहुत ही सख्त होते हैं, केराटिनाइज होते हैं, तो मतलब उनमें केराटिन प्रोटीन होता है हॉर्स के पाँव जिस पर वो दौड़ता है। और ऑप्शन नंबर बी हेमोग्लोबिन, तो वैसे भी प्रोटीन है, हम जानते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्टेरॉयड, जी हाँ, स्टेरॉयड जो होते हैं वो लेपिड्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है, स्टेरॉयड। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थायमिन होता है, एडेनिन होता है, गवानिन होता है, साइटोसिन होता है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में एडेनिन होता है, गवानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरैसिल होता है। तो हमारे पास थायमिन नहीं होता। जी हाँ, हमारे पास आरएनए में थायमिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए, और डीएनए में यूरैसिल नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है, थायमिन। तो यहाँ पर आरएनए में फिर क्या आता है, यूरैसिल। आरएनए में यूरैसिल होता है और डीएनए में थायमिन।
तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है थाइमिन, जो आरएनए में नहीं होता। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, और इनमें से कौन से मॉलिक्यूल है जो लिपिड से बने हुए हैं, सम हार्मोन्स, या ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, या ऑप्शन नंबर सी स्केलेटन, या ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो हमारे पास जो लिपिड से बने होते हैं वो सम हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जैसे कि स्टेरॉयड, स्टेरॉयड में कौन से हार्मोन आते हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, ये सारे एंड्रोजन, एड्रोस्टेरोन, ये सारे जो होते हैं ये सम हार्मोन जो होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सम हार्मोन, जिसमें स्टेरॉयड आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम एक्सेप्ट डैश, इनमें से सारे कोएंजाइम है लेकिन एक जो है नहीं है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए एनएडी, ऑप्शन नंबर बी एफएडी, ऑप्शन नंबर सी एनएडीपी, ऑप्शन नंबर डी एडीपी। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी एडीपी, क्योंकि कोएंजाइम जो होते हैं वो तीन होते हैं, एनएडी एफएडी एनएडीपी। और कोएंजाइम क्या होते हैं, ये एक्टिव साइट पर एंजाइम के अटैच होते हैं, जो नॉर्मल एंजाइम फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो कोएंजाइम होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। दीवाल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड डैश, जो हमारे लेफ्ट साइड पर आट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट के फोर चैम्बर होते हैं, टू एट्रियम जो ऊपर होते हैं, टू वेंट्रिकल जो नीचे होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सेमीलूनर वाल, ऑप्शन नंबर बी बाइकस्पिड वाल, ऑप्शन नंबर सी ट्राइकस्पिड वाल, ऑप्शन नंबर डी पल्मोनरी वाल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है बी बाइकस्पिड वाल, ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है, सो ऑप्शन नंबर बी आता है। हमारा लास्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 30। दीवाल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जैसे कि हमने लेफ्ट का पढ़ा कि लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में कौन सा था, बाइकस्पिड वाल। तो यहाँ पर हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है उसके ऑपोजिट, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए बाइकस्पिड वाल, ऑप्शन नंबर बी ट्राइकस्पिड वाल, ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी वाल, ऑप्शन नंबर डी सेमीलूनर वाल। तो आपको इनमें से कौन सा राइट लग रहा है, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा विद राइट की। और आज तक इतना ही, अगले एमसीक्यूज़ के लिए हमारे चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज के इस वीडियो में हम दोबारा केएमयू नर्सिंग कैट 2021 का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ द बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि पिछले पार्ट जो हमने अपलोड किए थे इंशाल्लाह आपको हेल्प दिया होगा। और ये अगला हमारा पार्ट है केएमयू कैट प्रिपरेशन के लिए। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है नंबर 1, एफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन डैमेज, विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ब्रेन विल डिस्टर्ब। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब होगा, ऑप्शन ए थिंकिंग, ऑप्शन बी स्लीपिंग, ऑप्शन सी थर्स्ट, ऑप्शन डी स्वॉलविंग। तो आपको इनमें से कौन सा लगता है बताएं, ऑप्शन डी स्वॉलविंग। तो स्वॉलविंग हमारे पास फंक्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, और अगर ये डैमेज हो जाता है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे पास अगला एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 2, ओटाइटिस मीडिया इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ओटाइटिस मीडिया इंफ्लेमेशन होता है लेकिन कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी इनर ईयर, ऑप्शन डी मिडल ईयर। तो ये तो मेरे ख्याल में ईजी है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी मिडल ईयर। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज, यानी कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शन डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑप्शन ए अर्थराइटिस, ऑप्शन बी स्पॉन्डायोसिस, ऑप्शन सी शियाटिका, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा लग रहा है, स्पॉन्डायोसिस। जी, अर्थराइटिस को तो ऐसे भी आप जानते हैं कि जोड़ों की बीमारी है, शियाटिका एक नर्व है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है स्पॉन्डायोसिस। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेंस कोडॉन। हमारे पास यहाँ पर नॉन सेंस कोडॉन की बात की जा रही है, तो नॉन सेंस कोडॉन, इसको स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है,
और ये इसका मतलब है कि डज नॉट कोड फॉर द अमीनो एसिड, यानी कि कोडोन की क्या फंक्शन होती है, अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करना, मैसेज करना, लेकिन स्टॉप कोडोन या नॉन सेंस कोडोन का फंक्शन ये होता है कि ये कोडिंग नहीं करता अमीनो एसिड के लिए, जैसे कि सेंस कोडोन करता है। तो सिर्फ ये हेल्प करता है कि ये ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है प्रोटीन फॉर्मेशन में, तो ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करता है, स्टॉप करता है। तो हमारे पास नॉन सेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन कौन सा है, ऑप्शन ए UGA, ऑप्शन बी UAU, ऑप्शन सी CAU, ऑप्शन डी GAU। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है बताएं, हमारे पास है ए UGA, क्योंकि हमारे पास 3 नॉनसेंस कोडोन है। अपने साथ लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है कौन कौन से है हमारे पास। हमारे पास है UAG, UAA एंड UGA। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हमारे पास है UAG, UAA, UGA। तो हमारे पास ये 3 नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन है। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, व्हाट हैपन व्हेन द चार्ज इज प्लेस ऑन अ सॉप बबल, जब सॉप बबल पर चार्ज प्लेस किए जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए इट कोलैप्स, ऑप्शन बी इट्स रेडियस इंक्रीज, ऑप्शन सी इट्स रेडियस डिक्रीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा लग रहा है, राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए। ऑप्शन बी इट्स रेडियस इंक्रीज, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज प्लेस किए जाते हैं सॉप बबल पर तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जो सॉप बबल होता है उसका रेडियस इंक्रीज होगा, यानी कि वो साइज में इंक्रीज होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 6, कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो कौन किस तरीके से। ऑप्शन ए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑप्शन बी कोर्स फिल्टर पेपर, ऑप्शन सी फाइन फिल्टर पेपर, ऑप्शन डी एक्सट्रीमली फाइन फिल्टर पेपर। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सट्रीमली फाइन फिल्टर पेपर, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली फाइन फिल्टर पेपर चाहिए। हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ डिसऑर्डर नॉट प्रेजेंट इन अ चाइल्ड फैमिली बट फिटस इटसेल्फ इज इन्फेक्टेड बिफोर बर्थ, अगर किसी फैमिली में कोई डिजीज ना हो लेकिन फिर भी बच्चे को डिजीज हो जाती है, तो हमारे पास इस बीमारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सोमेटिक म्यूटेशन, ऑप्शन बी हेरिडिटी म्यूटेशन, ऑप्शन सी जर्म लाइन म्यूटेशन, ऑप्शन डी डिनेवो म्यूटेशन। हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोमेटिक म्यूटेशन। ये नॉर्मल सेल में होता है जो बर्थ के बाद हो जाता है या बर्थ से पहले, लेकिन फैमिली में नहीं होता जेनेटिकली, जिसके हेरिडिटी म्यूटेशन भी कहा जाता है। और जर्म लाइन म्यूटेशन जो कि जब रिप्रोडक्टरी सेल में हो जाता है सेक्स सेल में। और डिनेवो म्यूटेशन कैसे कहा जाता है, डिनेवो म्यूटेशन का मतलब है कि म्यूटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन फैमिली, जब पहली बार किसी फैमिली में म्यूटेशन हो जाता है तो उसे डिनेवो म्यूटेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली नॉर्मल सेल की बात की जा रही है, सोमेटिक म्यूटेशन की, नॉर्मल सेल में जब हो जाती है तो उसे सोमेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। तो हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इज सेम इज डैश, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांक कांस्टेंट कैसे कहा जाता है, जब एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू यानी वेलोसिटी। तो हमारे पास जब प्लैंक कांस्टेंट को चेंज किया जाता है यानी कि इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय म्यू, तो हमारे पास यूनिट क्या आता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये यूनिट किसके बराबर ये हो सकता है, ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम की, ऑप्शन बी वर्क की, ऑप्शन सी फोर्स की, ऑप्शन डी टार की। तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है बताइए। ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट भी यही है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है 9, द कंपाउंड विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय मींस ऑफ वाटर, उन इसमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो वाटर के जरिए हाइड्रोलाइज हो सकता है। ऑप्शन ए CCl4, ऑप्शन बी SiCl, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है बताइए,
ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से एक भी हाइड्रोलाइज नहीं होता वाटर के जरिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सर्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन अराउंड डैश, सर्कोलेमा जो होता है वो मेम्ब्रेन होता है किसके अराउंड होता है? ऑप्शन ए बोन के, ऑप्शन बी जॉइंट्स के, ऑप्शन सी मसल फाइबर के, ऑप्शन डी हार्ट के। तो हमारे पास सर्कोलेमा जो होता है ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? सी मसल फाइबर के अराउंड सर्कोलेमा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है ईटा में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मसल फाइबर। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फीमेल वर्कर आर स्टराइल, इनमें से फीमेल वर्कर स्टराइल यानी कि इनफर्टाइल, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते वो किस में होते हैं फीमेल वर्कर स्टराइल? ऑप्शन ए एंट्स की, ऑप्शन बी हॉनी बी की, ऑप्शन सी बेबून की, ऑप्शन डी पैरट्स की। तो कौन से होते हैं फीमेल वर्कर स्टराइल, कौन से कैटेगरी में आते हैं? एंट्स के। जी हाँ, एंट्स में फीमेल वर्कर सारे स्टराइल हैं, इनफर्टाइल हैं। तो एंड में ओनली फीमेल वर्कर होते हैं और वो भी स्टराइल। तो हमारे पास हॉनी बी में भी होते हैं लेकिन एंट्स में बहुत ही कॉमन है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर आता है, ये एटम में कई बार आ चुका है, ऑप्शन ए एंट्स में। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 12। द साउंड वेव्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सुपरसोनिक, ऑप्शन बी ऑडिबल, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक। वो वेव्स जिसकी साउंड फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन इज जी बताइए, हमारे पास जिसकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक। हमारे पास नॉर्मल जो हेयरिंग साउंड यानी कि जो हम सुन सकते हैं वो है किसके दरमियान? बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़, इसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। यानी अगर 20 हर्ट्ज़ से कम हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? जी उसको क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। अगर 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा हो जाती है तो उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। और 20 हर्ट्ज़ और 20 किलोहर्ट्ज़ के दरमियान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑडिबल, ये वो हम सुन सकते हैं। और सुपरसोनिक जो होते हैं वो तो बिल्कुल साउंड वेव से भी ऊपर जाते हैं, ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जिस साउंड की, वो है अल्ट्रासोनिक। और 20 से जिस कम होती है, 20 किलो से नहीं सिंपल 20 हर्ट्ज़ से, यहाँ पर 20 किलोहर्ट्ज़ से, अगर 20 हर्ट्ज़ से कम हो जाती है तो उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑडिबल, ऑप्शन बी आता होगा अगर यहाँ पर ऑडिबल की बात की जाती, लेकिन यहाँ पर मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ की बात की गई है तो हमारे पास राइट ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एमोरफस सॉलिड्स आर मेड बाय फ्यूजिंग सिलिकेट्स विद डैश, जैसे कि हम जानते हैं कि एमोरफस सॉलिड कैसे कहा जाता है? एमोरफस सॉलिड जो कहा जाता है वो है यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दरमियाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है एमोरफस सॉलिड जो बनते हैं कैसे बनते हैं? सिलिकेट जब फ्यूज हो जाते हैं कंबाइन किए जाते हैं किसके साथ? बताइए, राइट ऑप्शन इज यहाँ पर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जब सिलिकेट को कंबाइन किया जाता है तो एमोरफस सॉलिड बनता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्मल लेवल व्हाट हैपन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज किया जाता है तो क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन द सी लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज इन द सी लेवल, ऑप्शन सी लॉन्गर विंटर सीजन, ऑप्शन डी डे टाइम विल इंक्रीजेस। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है बताइए? ऑप्शन नंबर सी लॉन्गर विंटर सीजन। क्यों? विंटर सीजन में क्या होता है नॉर्मली हमारे पास समर या स्प्रिंग सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होती है यानी कि जमा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब यानी ऑब्जर्व होता है, लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिलीज़ होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो लॉन्गर विंटर सीजन होगा, क्योंकि नॉर्मली तो कार्बन डाइऑक्साइड किस सीज़न में रिलीज़ होता है? विंटर में।
तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है तो विंटर सीजन भी इंक्रीज होगा। तो हमारे पास ये एटो में भी आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गर विंटर सीजन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट साइड इफेक्ट। यहाँ पर लीस्ट साइड इफेक्ट की बात की गई है वैक्सीन के। ऑप्शन नंबर ए एटोनेटेड वैक्सीन के लीस्ट साइड इफेक्ट होती है, या ऑप्शन नंबर बी किल्ड वैक्सीन की, या ऑप्शन सी सेबियंट वैक्सीन की, या ऑप्शन नंबर डी टॉक्सॉइड वैक्सीन की। तो अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो लीस्ट साइड इफेक्ट किसका होता है बताइए? ऑप्शन नंबर बी किल्ड वैक्सीन। यहाँ पर अल्टरनेटिव वैक्सीन क्या होता है? अल्टरनेटिव वैक्सीन जो होता है वो गुड टीचर वैक्सीन होते हैं। बुक में मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अल्टरनेटिव वैक्सीन को गुड टीचर भी कहा जाता है, यानी अच्छे सबक सिखाने वाला होता है। तो ये क्योंकि ये लाइव वैक्सीन भी होते हैं, और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेटिव वैक्सीन? टीबी और मीजल के लिए। हमारे पास कल वैक्सीन है, यहाँ पर लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं, और इसके अलावा स्टेबल भी होते हैं, स्टोर भी किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं, और हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो ये हो गया। सब यूनिट वैक्सीन क्या करता है? सब यूनिट वैक्सीन जो होता है इसका इस वैक्सीन में एक एंटीजन का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, और ये अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सब यूनिट वैक्सीन हो गया। टॉक्साइड वैक्सीन, ये जब बैक्टीरिया टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है तो हम इसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं टॉक्साइड वैक्सीन को। नॉर्मली इसमें फॉर्मलिन सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है इस वैक्सीन में, और ये टेटिनस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एमसीक्यूज में आपके कई एमसीक्यूज क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी किल्ड वैक्सीन। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है द एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ऑफ द वॉच। हमारे घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है या यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी सोलर एनर्जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर की जाती है एनर्जी तो दोबारा रिलीज की जाती है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी में इस्तेमाल होती है, तो फिर वो उसका जो स्प्रिंग है वो हरकत करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसलेट किया जाता है या चेंज किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के बारे में बात की जा रही है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहली बार कब प्रोड्यूस हुआ। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पहले बार एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनेटेड किया, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजनेटेड प्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी एनोरबिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। लेकिन हमारे पास जो मेन ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया थे जो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनेटेड किया, लेकिन प्रोटोट्रॉप भी इसमें भी आते हैं, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया वैसे भी तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है। अगर कोई और ऑप्शन होती तो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया आता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इवेंट इज थॉट टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू इवोल्यूशन ऑफ द यूकेरियोट्स, यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसकी वजह से यूकेरियोट्स इवॉल्व हुए? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ऑप्शन बी ग्लेशिएशन की वजह से, ऑप्शन सी वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से, ऑप्शन डी ऑक्सीजनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यूकेरियोट्स को जो हम जानते हैं कि उसका जो न्यूक्लियस होता है ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि एनिमल्स आते हैं इनमें और ह्यूमन बींग भी आते हैं, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से यूकेरियोट्स इवॉल्व हुए और भी मॉडिफाई हुए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ दिस लोकोमोटर ऑर्गन्स वुड लाइक बी शॉर्टेस्ट, इनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट है? लोकोमोटर इसकी वजह से यानी कि ऑर्गेनिज्म हरकत करता है जिस ऑर्गेनिज्म में भी ये होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा है इनमें? ऑप्शन ए फ्लैजेला, ऑप्शन बी असीलियम, ऑप्शन सी इनएक्सटेंडिन सुडोपोडिया, ऑप्शन डी पेलिकल। तो राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन ए फ्लैजेला इज द शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी ऑर्गन इन द ऑर्गेनिज्म। राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट बी पोलराइज। इनमें से कौन से वेव है जो पोलराइज नहीं किए जाते। ऑप्शन ए रेडियो वेव, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक वेव। तो हमारे पास राइट क्वेश्चन है, हमारे पास राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि ये तो साउंड वेव है और ऊपर जो रेडियो वेव अल्ट्रावायलेट और एक्स रे ये पोलराइज करते हैं किसी भी एटम को, यानी कि जब किसी एटम पर पड़ जाते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, तो इसलिए नहीं कर सकते पोलराइजेशन। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। अगला क्वेश्चन है 21। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर। अगर किसी रे को लाइट रे को पास किया जाता है ग्लास के मीडियम में, तो इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, ऑप्शन बी इट्स वेवलेंथ इंक्रीज, ऑप्शन सी इट्स फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, ऑप्शन डी इट्स फ्रिक्वेंसी डिक्रीज। तो हमारे पास राइट क्वेश्चन आंसर है जी बताइए, राइट ऑप्शन इज इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं की जाती, हमने पिछले एमसीक्यूज में पढ़ा है। तो हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन मे बी कॉज बाय डैश। कोगुलेशन जो प्रोटीन है, कोगुलेशन होती है प्रोटीन की, तो किसकी वजह से हो सकती है। ऑप्शन ए हीट की वजह से, ऑप्शन बी चेंज इन पीएच की वजह से, ऑप्शन सी हैवी मेटल साल्ट की वजह से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन सी हैवी मेटल साल्ट की वजह से, क्योंकि जब हम साल्ट डालते हैं प्रोटीन में तो साल्ट की तरफ पानी आएगा, तो जब साल्ट की तरफ पानी आता है ऑस्मोलरिटी भी कहा जाता है इसको, तो ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस की वजह से जब पानी साल्ट की तरफ आएगा तो प्रोटीन कोगुलेशन होगी प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन एक ही जगह पर कोगुलेट होगा, तो वाटर जब ऐसे डिहाइड्रेट होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23। क्लोरीन गैस डिजोल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट गेव डैश। जब क्लोरीन गैस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो कौन सा गैस देता है बताइए। ऑप्शन ए येलो कलर सॉल्यूशन, ऑप्शन बी ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन, ऑप्शन सी ब्लूइश कलर सॉल्यूशन, ऑप्शन डी कलरलेस सॉल्यूशन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज जब क्लोरीन वाटर में हल किया जाता है बताइए। हमारे पास राइट क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन। ये क्यों करते हैं, हम क्यों वाटर में डालते हैं, ताकि प्योरीफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है विच सीडलेस प्लांट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कौन से सीडलेस प्लांट है जो सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल भी है, यानी कि दोबारा सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए क्लब मॉस प्लांट्स, ऑप्शन बी हॉर्सटेल प्लांट्स, ऑप्शन सी स्पोगनम मॉस, ऑप्शन डी फर्न। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पोगनम मॉस। ये फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है प्लांटिया चैप्टर से, ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25। ये भी प्लांटिया का है। रेजुबियम बिलोंग्स टू, रेजुबियम जो होते हैं किससे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए बीटा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी गेमा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया। राइट ऑप्शन इज बताइए अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। तो ये भी ये क्लासिफाई किया गया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो लिपिड से बना होता है। ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी स्किन टेंडन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेरॉयड लिपिड के बने होते हैं, जैसे कि अल्डोस्टेरोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27। पॉइजनस रेड टाइड्स इन द कोस्टल एरिया आर कॉज्ड बाय ब्लूम्स ऑफ डैश। जो रेड टाइड होते हैं वो हम जानते हैं कि पॉइजन होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, तो ये कोस्टल एरियाज में होते हैं और ये ब्लूम बनाते हैं। तो कौन से होते हैं, कौन बनाते हैं। ऑप्शन ए यूगेनोइड बनाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी रोडोपायटा बनाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी डायटन्स बनाते हैं, या डी डायनोफ्लेजिलेट। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी डायनोफ्लेजिलेट। हमारे पास डायनोफ्लेजिलेट क्या बनाते हैं, रेड टाइड बनाते हैं और ये पॉइजनस होते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ द एच हीलियम
इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हीलियम जो होता है, हीलियम यानी कि हीलियम दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते. क्यों? ऑप्शन ए इट विल बी डिसप्रोपोर्शन, ऑप्शन बी इट विल बी रेडियो एक्टिव, ऑप्शन सी इट वायलेट द पॉयले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन डी नो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इट वायलेट द पॉयले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये क्या करता है, पॉयले एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है. उसमें क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम एटम के आइडेंटिकल वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्वांटम नंबर के. जैसे क्वांटम नंबर हम जानते हैं, ये क्वांटम नंबर ऑल क्वांटम नंबर सेम वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेगा दो इलेक्ट्रॉन. तो जब हीलियम हीलियम मिलते हैं तो हीलियम गैस नहीं बना सकते मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्वांटम क्वांटम नंबर के ऑपोजिट होता है, यानी कि उसमें सारे सेम आते हैं. लेकिन पॉयले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि ऑल क्वांटम मेंबर सेम नहीं आ सकते एक एटम के लिए. तो हमारे पास इट वायलेट द पॉयले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर सी. हमारे पास अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन डैश. डबल फर्टिलाइजेशन किस में आता है, ये भी प्लांट से लिया गया है फर्स्ट ईयर बॉटनी से. हमारे पास ऑप्शन ए पाइनस से, ऑप्शन बी फर्न से, ऑप्शन सी मर्चेंटिया से, ऑप्शन सी माई से. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है, बताइए हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है, बी फर्न्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है. हमारे पास अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉन्सेप्शन सीवीड्स आर डैश, यानी कि कॉन्स्पिशियस सीवीड्स यानी कि जो डोमिनेंट है वाजिक तौर पर होते हैं सीवीड. ऑप्शन ए रेड एलजी, ऑप्शन बी ब्लू एलजी, ऑप्शन सी ग्रीन एलजी, ऑप्शन डी ब्राउन एलजी. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, डी ब्राउन एलजी इज ए मोस्ट प्रोमिनेंट और डोमिनेंट सीवीड्स इन द सी. सो राइट ऑप्शन इज डी ब्राउन एलजी. हमारे पास अगला क्वेश्चन है इन एकिनस इज कम्पोज ऑफ डैश. जैसे कि हम जानते हैं कि एकिनस इज कम्पोजिशन ऑफ द एकिनार. सो जब मुख्तलिफ एकिनार्स ग्रुप ऑफ एकिनार्स कंबाइन होकर एकिनस बनाते हैं तो हम ऐसे एकिनस कहते हैं. लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए 10 to 20 एकिनार्स कंबाइन होकर एकिनस बनाता है, या ऑप्शन बी 20 to 40 एकिनार्स, या ऑप्शन सी 20 to 30 एकिनार्स, या ऑप्शन डी 30 to 40. तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा आता है, कितने एकिनार्स मिलकर एकिनस बनाता है. ऑप्शन बी 20 to 40 एकिनार्स मिलकर एकिनस बनाता है, ऑप्शन बी. हमारे पास अगला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश. जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, यानी कि मास और रेडियस स्क्वेयर. तो मास पर भी डिपेंड करते हैं. ऑप्शन ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें ये तो नहीं आता. ऑप्शन बी मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये आता है बताइए. जी हाँ, मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. और इसके अलावा एंगुलर वेलासिटी पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनर्शिया इज आल्सो इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय एंगुलर वेलासिटी. तो हमारे पास एंगुलर वेलासिटी पर भी डिपेंड करते हैं और एक्सिस ऑफ द रोटेशन पर भी डिपेंड करता है. तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, किस पर नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पर. तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई एंगुलर वेलासिटी. तो हमारे पास ऑप्शन बी मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता. हमारे पास अगला क्वेश्चन है सो मिलीलीटर ऑफ द आर्टरी ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड ऑफ टू टिश्यू, यानी 100 मिलीलीटर आर्टरी ब्लड में कितना ऑक्सीजन टिश्यू को मिलता है, कितना मिलीलीटर. ऑप्शन ए 2 मिलीलीटर मिलता है टिश्यू को, ऑप्शन बी 3 मिलीलीटर को, ऑप्शन सी 4 मिलीलीटर को, ऑप्शन डी 5 मिलीलीटर को. तो ये हमने पहले भी एमसीक्यूज में हम पढ़ चुके हैं. तो हमारे पास कितना टिश्यू को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी 5 मिलीलीटर. ये आइटम में आ चुका है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी. हमारे पास कुछ एमसीक्यूज रहते हैं. हमारे पास अगला क्वेश्चन है 34 नर्व सिस्टम दैट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द फाइट ऑफ फ्लाइट, यानी कि जो फ्लाइट और फाइट होता है उसके लिए कौन प्रिपेयर करता है. ऑप्शन ए पैरासिम्पथेटिक, ऑप्शन बी सिम्पथेटिक, ऑप्शन सी सोमेटिक, ऑप्शन डी पेरिफेरल. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर बी सिम्पथेटिक, यानी सिम्पथेटिक जो है ये फ्लाइट और फ्लाइट के लिए बंदे को तैयार करता है इमोशनली, ये लड़ाई के लिए या भागने के लिए. तो फ्लाइट और फ्लाइट की कौन सिम्पथेटिक
नर्वस सिस्टम तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज कॉन्टैक्ट विद कॉन्टेंट वेसल इज डैश, यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड जो होती है वो वेसल जो वेसल में जाती है तो कितनी स्पीड में जाती है वेलोसिटी के साथ। ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी मिनिमम बट नॉट जीरो, ऑप्शन सी लार्ज, ऑप्शन डी इन्फिनिट। तो ये फिजिक्स एमसीक्यूज है, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी मिनिमम बट नॉट जीरो, मिनिमम होती है लेकिन जीरो नहीं होते, ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज डैश, सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताइए। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड होता है, इसलिए सेकंड पेंडुलम से कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेंडुलम के टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड, लेकिन हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को इज इक्वल करते हैं 1/T, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 है, तो जब 1/2 लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1/2 या इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो आता है ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 हर्ट्ज, ऑप्शन 5 हर्ट्ज, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास नॉन ऑफ दिस क्योंकि 0.5 हर्ट्ज आता है, जैसे कि यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द 3 नॉन इन्फेक्टिव जीन इन HIV, तो ये आपको रटा होना चाहिए कि नॉन इन्फेक्टिव जीन जो होते हैं HIV में कौन से है। ऑप्शन ए गेग पुल रिव, बी गेग पुल VPU, ऑप्शन सी गेग पुल VPR, ऑप्शन डी गेग पुल NMU। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बताइए, ये तो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन डी गेग पुल NMU, गेग पुल NMU। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास लास्ट 2 MCQs रहते हैं, द स्पेक्नम इज आल्सो कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक कई बार आ चुका है और केमियो के नर्सिंग में भी आ सकता है। हमारे पास राइट क्वेश्चन है ऑप्शन ए स्पिन ऑप्सिडा, ऑप्शन बी पिट मॉथ, ऑप्शन सी क्लब मॉथ, ऑप्शन डी माइडीन हेयर फॉन। तो राइट ऑप्शन इज बताइए पीट मॉस, ये आपको याद रहने चाहिए, स्पेक्नम इज आल्सो कॉल्ड पीट मॉस। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन नॉट काज एक्साइटेशन इन मॉलिक्यूल, हमारे पास कौन सा रेडिएशन है जो एक्साइटेशन नहीं काज करती। ऑप्शन ए रेड कलर, ऑप्शन बी ग्रीन कलर, ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। बताइए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है, डी नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा रेडिएशन काज नहीं कर सकता जब किसी मॉलिक्यूल पर रेडिएट किए जाते हैं। हमारे पास नॉन ऑफ दिस इनमें से एक भी नहीं है जो मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन को काज कर, क्योंकि ये विजिबल लाइट की रेडिएशन है, तो हम जानते हैं कि विजिबल की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है कि वो एक्साइटेशन मॉलिक्यूल में काज करें। हमारे पास डी है। हमारे पास अगला लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर डैश, आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े होंगे मैक्रो भी पढ़े होंगे, तो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से है बताइए, मैग्नीशियम पोटेशियम नाइट्रोजन फास्फोरस, या ऑप्शन बी कॉपर मैग्नीशियम मैंगनीज सल्फर, या ऑप्शन सी मैंगनीज सल्फर फास्फोरस कॉपर, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम मैंगनीज एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो राइट ऑप्शन इज चलिए आप बताए, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख दीजिएगा ताकि आपको मुझे पता चल सके कि आपको आता है या नहीं। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट की केमयू नर्सिंग कैट के लिए तैयारी अच्छी जारी होगी। तो आज हम लाए हैं दोबारा केमयू नर्सिंग कैट प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप लोगों का केमयू नर्सिंग कैट अच्छे नंबरों से पास हो जाए और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके नर्सिंग के लिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द टिश्यू प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म आर डैश, यानी कि
वो टिश्यू जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। पहले तो एंजियोस्पर्म की जानने की कोशिश करते हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिसका सीड फ्रूट्स में होता है, और जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिसका सीड फ्रूट्स में नहीं होता बल्कि नेक्स्ट सीड होता है। तो हमारे पास एंजियोस्पर्म में कौन से टिश्यू आते हैं? ऑप्शन ए वेसल्स, ऑप्शन बी कंपेनियन सेल, ऑप्शन सी सीवी ट्यूब, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है, कौन से टिश्यू होते हैं? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि वेसल्स भी होते हैं और कंपेनियन सेल भी होते हैं एंजियोस्पर्म में। और सीवी ट्यूब कैसे कहते हैं? सीवी ट्यूब ये ट्यूब होते हैं और ये कंबाइन होकर प्लोएम में होते बनाते हैं, और प्लोएम क्या करते हैं? खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। इंडिविजुअली ऑफ द एवरी पर्सन इज मेंटेन बाय न्यूक्लियोटाइड जीनोम सीक्वेंस डिफरेंस ऑफ डैश, यानी कि हर एक पर्सन में जीनोम न्यूक्लियोटाइड का सिक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। कितने परसेंट डिफरेंट होता है हर एक पर्सन में? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 5%। तो कितना डिफरेंस होता है हर एक न्यूक्लियोटाइड जीनोम सीक्वेंस की? हमारे पास ऑप्शन आता है ए 1%। बाकी 99% न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है तो सेम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आता है 1%। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड, कार्टिलेज का मैच्योर सेल कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन सी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन डी ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ए कॉन्ड्रोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? ये भी सेल होते हैं और ये ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और ऑस्टियोसाइट लार्जेस्ट सेल्स होते हैं बोन्स में, और ये 90-95% बोन टिश्यू बनाते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट को तो वैसे भी आप जानते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट रीअब्जर्वेशन करते एक्स्ट्रा सेल को काट जाते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट सेल हो गए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन ए कॉन्ड्रोसाइट्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच फास्फोरस इज रिक्वायर्ड बाय एन एडल्ट मैन पर डे, यानी कि एक एडल्ट मैन के लिए कितना फास्फोरस रिक्वायर होता है पर डे? ऑप्शन ए 500 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 400 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 800 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 1800 मिलीग्राम। तो हमारे पास फास्फोरस कितना रिक्वायर होता है बताइए? ऑप्शन सी 800 मिलीग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑफ द फॉलोइंग डायकुलस प्लांट्स आर डैश, यानी कि डायकुलस जो प्लांट होते हैं हमारे पास कौन से एग्जांपल होते हैं यहाँ पर? पहले तो डायकुलस प्लांट्स के बारे में जानते हैं। डायकुलस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका मेल और फीमेल मुख्तलिफ प्लांट्स पर होता है, यानी कि एक प्लांट्स में मेल होता है दूसरे प्लांट में फीमेल होता है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन उसमें होती है। तो हमारे पास जो एग्जांपल होता है ऑप्शन ए सनफ्लावर, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी मलबेरी, ऑप्शन डी माइज। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन जी सी मलबेरी। हमारे पास ऐसे प्लांट्स है जिसका मेल और फीमेल मुख्तलिफ प्लांट्स पर होता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ईच किडनी ऑफ द ह्यूमन बींग इज वेटेड अबाउट, यानी कि एक पर्सन में हर एक किडनी का वेट कितना होता है? ऑप्शन ए 140 ग्राम, ऑप्शन बी 160 ग्राम, ऑप्शन सी 130 ग्राम, ऑप्शन डी 150 ग्राम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? 150 ग्राम। गुड, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन 1796। वो कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया, और वो भी 1796 में? तो कौन सा साइंटिस्ट था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी हॉस्टन विंग्स, ऑप्शन सी F.H. हर्बर, ऑप्शन डी जेम्स श्वांग। तो हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ पहली बार 1796 में वैक्सीन बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
The ripened and fertilized ovule is called, यानी कि ripened and fertilized ovule जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन ए फ्रूट भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी सीड कह सकते हैं, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म कह सकते हैं, या ऑप्शन डी पेरिस्पर्म कह सकते हैं। तो हमारे पास जो ripened and fertilized ovule है हम उनको सीड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिशन इन द सन इंक्रीजेज इन सप्लाई ऑफ डैश। जैसा कि हम जानते हैं कि सन में कौन सा फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि दो गैस आपस में मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करता है और उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है सन में। तो जब वो कौन सा गैस है जब हम सन को प्रोवाइड करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन इंक्रीज होता जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी न्यूक्लियॉन्स, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन्स। तो बताइए राइट आंसर इज ऑप्शन बी हीलियम। जी हाँ, जब हीलियम प्रोवाइड करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन सन में और भी इंक्रीज होता जाता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सोपिथेलमिया इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डैश। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सोपिथेलमिया में आईज जो होते हैं बाहर थोड़े से बल्जिंग होती है, बाहर आते हैं। तो ये कौन सा डिजीज का सिम्टम्स है, ऑप्शन ए हाइपरथायरायडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए हाइपरथायरायडिज्म। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से आ सकता है और आपको ये याद रखना चाहिए कि हाइपरथायरायडिज्म में एक्सोपिथेलमिया क्लासिकल सिम्टम्स होता है जिसमें आई बाहर आता है, बल्जिंग होती है आई की। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड बाय द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 8%। तो बताइए प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को कितना परसेंट कैरी करता है, राइट ऑप्शन इज सी 7%। और मैं आपको बताता चलूँ कि बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में कितना परसेंटेज ट्रांसफर होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में, 70% बाइकार्बोनेट आयन, और जो रहता है 23% वो एज अ कार्बोक्स हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में। तो हमारे पास 7% प्लाज्मा की शक्ल में, 70% बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में, और 23% कार्बोक्स हीमोग्लोबिन की शक्ल में। तो ये आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इन स्टेशनरी वेव्स क्या होता है। स्टेशनरी वेव में पहले स्टेशनरी वेव को जानते हैं। स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि सेम एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी होता है लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है ऑपोजिट होता है। तो हमारे पास वो वेव जिनका सेम एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो और इसके अलावा उनकी और भी खसूसियात होती है। कौन सी खसूसियात, ऑप्शन ए देयर इज़ नॉट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ऑप्शन बी एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एट ऑल पॉइंट, ऑप्शन सी पेज ए सेम फॉर द ऑल पॉइंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो बताइए और क्या प्रॉपर्टी है, बताइए देयर इज़ नॉट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। जी हाँ, उनका जो डायरेक्शन होता है ऑपोजिट होता है, एक वेव राइट डायरेक्शन में जाता है, दूसरा वेव लेफ्ट में, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी के साथ। तो हमारे पास देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी अकर इन द स्टेशनरी वेव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, केल्प्स आर द डैश। केल्प्स जो होते हैं किसकी खसूसियात होते हैं, केल्प्स ये बोर्नी से लिया गया है, तो ये किसकी खसूसियात है, किसकी वजह से बनते हैं, ऑप्शन ए डायटम से, ऑप्शन बी रेड एलजी से, ऑप्शन सी ग्रीन एलजी से, ऑप्शन डी ब्राउन एलजी से। तो केल्प्स किससे बनते हैं, कौन बनाता है केल्प्स को, बताइए बोर्नी से लिया गया है, बताइए ऑप्शन डी ब्राउन एलजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केल्प्स ब्राउन एलजी बनाता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 14 इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फाउंड इन, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किस में होता है ये आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए लेवरवर्ट्स प्लांट्स में, ऑप्शन बी फ्रूक्यूपाइड्स में, ऑप्शन बी सी एक्टोकॉप्स में, ऑप्शन डी मॉसेस में। तो ये आपको रटा होना चाहिए, बॉटनी के एमसीक्यू से बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी एक्टोकॉप्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करता, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है सी एक्टोकॉप्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड बिटवीन डैश। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, किसके दरमियान, बिटवीन पायामाटर एंड ड्यूरामाटर, या ऑप्शन बी पायामाटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, ऑप्शन सी पायामाटर एंड न्यूराकाना, ऑप्शन डी ड्यूरामाटर एंड एरेक्नॉइड। जैसा कि हम जानते हैं कि ये लेयर्स है मेनिनजेस के, ये ब्रेन के इर्द गिर्द लेयर होते हैं और इसमें सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है, बताइए ऑप्शन बी पायामाटर एंड एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान होता है, पी ए के दरमियान होता है, पायामाटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में जो गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करते हैं, तो उनके शेप किस तरह होता है, ऑप्शन ए किडनी शेप, ऑप्शन बी ओवल शेप, ऑप्शन सी राउंडेड शेप, ऑप्शन डी डंबल शेप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन डी डंबल शेप। तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द मोनोकॉट इज डंबल इन शेप। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन आइंस्टाइन यूनिवर्स व्हाट इज द फोर डायमेंशन। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उनमें फोर डायमेंशन डिस्कस किए गए थे, तो हमारा फोर्थ वर्ड डायमेंशन जो है, जो बार बार एटम में आ चुका है, हमारे पास कौन सा है और कैम्यू नर्सिंग कैट में भी आ सकता है, तो बताइए ऑप्शन सी टाइम। जी हाँ, हमारे पास टाइम इज ए फोर्थ डायमेंशन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पिगमेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरोटीनॉइड, यानी कि कैरोटीनॉइड तो पिगमेंट्स होते हैं, तो कैरोटीनॉइड में कौन से पिगमेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन ब्राउन और रेड, ऑप्शन बी ऑरेंज येलो ब्लू और ब्राउन, ऑप्शन सी येलो ऑरेंज रेड और ब्राउन, ऑप्शन डी ब्लू रेड ऑरेंज और ब्राउन। तो बताइए, ये तो आपको याद रखना चाहिए, ये भी कई बार आ चुका है और केमी नर्सिंग में आ सकते हैं, बताइए ऑप्शन सी येलो ऑरेंज रेड और ब्राउन, वाई ओ आर। तो ये आपको याद रखना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन आता है सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द फिशेज इज कॉल्ड, वो ब्रांच जिसमें हम फिशेज की स्टडी करते हैं, बताइए वो कौन सा टर्म है, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी हर्बिटोलॉजी, ऑप्शन डी एथोजी। बताइए राइट ऑप्शन इज बी एस्टियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक्सरे यूज इज अ डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन बिकॉज ऑफ। एक्सरे को हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल में इज अ डायग्नोस्टिक टूल, क्यों, ऑप्शन ए क्योंकि ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज की होती है, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ द एक्सरे यूनिट इज लो, यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो कम होता है, ऑप्शन सी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ऑप्शन डी इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताइए क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ही हाई है, इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बोन में पास नहीं हो सकते, तो इसलिए हम जो हमारे बॉडी के और ऑर्गन है उसमें पास हो सकते हैं लेकिन बोन में पास नहीं होते, तो बोन के फ्रैक्चर हम मालूम करते या कोई भी ट्यूमर होते हैं इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं, तो हमारे पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, ऑप्शन ए हैप्लॉयड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल होता है, या ऑप्शन बी डिप्लॉयड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल, ऑप्शन सी हैप्लॉयड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल, ऑप्शन डी डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल। बताइए ऑप्शन सी हैप्लॉयड होते हैं, हाफ नंबर होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और कॉइल्ड भी होते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये आपको याद रखना चाहिए, हैप्लॉयड डबल स्ट्रैंडेड और कॉइल्ड शेप। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चायरोप्टेरिया आर डैश, यानी कि चमगादड़ जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए फ्लाइंग मेमल्स, या ऑप्शन बी फ्लैश एटिंग मेमल्स, या ऑप्शन सी ओपन मेमल्स, ऑप्शन डी एक्वेटिक मेमल्स। तो चमगादड़ कौन सा मेमल्स है, फ्लाइंग मेमल्स। जी हाँ, हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द स्वॉलिंग प्रोसेस रेगुलेटेड बाय, ये तो पहले भी हम पिछले एमसीक्यूज में कई बार पढ़ा है
कि स्वेलिंग प्रोसेस किसका होता है, ऑप्शन ए थ्रोट, ऑप्शन बी पेरेंस, ऑप्शन सी मेडुला ओब्लोंगेटा, ऑप्शन डी स्टोमक। तो हमारे पास मेडुला ओब्लोंगेटा आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच सीडलेस प्लांट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी एक बॉटनी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो प्लांट जो सीडलेस होता है लेकिन बार बार इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एक बार जब काट दिया जाता है तो फिर वो दोबारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोबारा एनर्जी का जरिया बनता है। तो हमारे पास कौन सा प्लांट्स है बताइए, ऑप्शन ए क्लब मॉस, ऑप्शन बी हॉर्सटेल, ऑप्शन सी स्पोगनम मॉसेस, ऑप्शन डी फर्न। बताइए ऑप्शन, बताइए स्पोगनम मॉस। जी हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए कि स्पोगनम मॉस जो होता है दोबारा इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, दोबारा सोर्स ऑफ द एनर्जी बनाते हैं, यानी कि एनर्जी का जरिया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25, बैक्टीरियल इज द यूनिट ऑफ, बैक्टीरियल जो होता है किसका यूनिट होता है, ऑप्शन ए डीके कांस्टेंट, ऑप्शन बी हाफ लाइफ, ऑप्शन सी मीन लाइफ, ऑप्शन डी एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। बताइए राइट ऑप्शन इज डी रेडियो एक्टिविटी। बैक्टीरियल जो होता है इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 26, वर्ल्ड वाइड मोरलिटी रेट पर एनुअम ड्यू टू एड्स इज मोर देन, यानी कि पर ईयर जो मोरलिटी रेट है एड्स की वजह से वर्ल्ड वाइड कितना होता है, ऑप्शन ए 1 मिलियन, ऑप्शन बी 2 मिलियन, ऑप्शन सी 3 मिलियन, ऑप्शन डी 5 मिलियन। बताइए ऑप्शन बी 2 मिलियन, 2 मिलियन लोग मरते हैं एड्स की वजह से वर्ल्ड वाइड पर ईयर, तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पर्टुगस मैन ऑफ द वॉर इज द डैश, जो पर्टुगस मैन ऑफ वॉर है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए डेजर्ट स्नेक के लिए, ऑप्शन बी सिलेंट्रेड के लिए, ऑप्शन सी ब्लू जेली फ्लैश के लिए फिश के लिए, ऑप्शन डी ब्लू फॉरेस्ट मंकी के लिए। बताइए तो हम किसके लिए पर्टुगस मैन ऑफ द वॉर इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी ब्लू जेली फिश के लिए हम ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड ब्लड इज कंट्रोल बाय, तो ये आपको याद रखना चाहिए, आपको पता होगा। बताइए कैल्शियम बोन से कौन रिलीज करते हैं ब्लड में, बताइए ऑप्शन ए पैराथार्मोन, ऑप्शन बी कैल्सिटिनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी बोथ एंड बी, ऑप्शन बताइए। जी हाँ बताइए ऑप्शन ए पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन का क्या काम होता है, ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करना, और कैल्सिटिनिन का क्या काम है, इसका ऑपोजिट, ब्लड में कैल्शियम को डिक्रीज करना, यानी बोन पर डिकम्पोजिशन, बोन को ट्रांसफर करना। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो आता है ऑप्शन ए पैराथार्मोन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेंस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट को, ऑप्शन ए गेस्टेशन, ऑप्शन बी टेक्टेशन, ऑप्शन सी रिसेप्शन, ऑप्शन डी ऑल्फेक्शन। गेस्टेशन, जी हाँ, हम गेस्टेशन सेंस ऑफ टेस्ट को भी कह सकते हैं, गेस्टेशन टर्म यूज इस्तेमाल किया जाता है, और टेक्टेशन, टेक्टेशन का मतलब है टच करना, रिसेप्शन का मतलब है पेन रिसेप्टर, हमारे स्किन में जो पेन को महसूस करते हैं, तो ऑल्फेक्शन स्मेल को महसूस करते हैं थ्रू नोज। तो ये हमारे पास कुछ सेंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ए गेस्टेशन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आउटर वॉल ऑफ द गर्ड सेल, गर्ड सेल के बारे में हम पहले भी एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आउटर वॉल जो गर्ड सेल होते हैं वो कौन से फंक्शन के होते हैं, ऑप्शन ए थिन एंड इलास्टिक, ऑप्शन बी थिक एंड नॉन इलास्टिक, ऑप्शन सी थिन एंड इलास्टिक, ऑप्शन डी थिन एंड नॉन इलास्टिक। बताइए ऑप्शन सी थिन एंड इलास्टिक, ये थिन होते हैं और इलास्टिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ न्यूरॉन विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0.004 इलेक्ट्रोवोल्ट इज कॉल्ड, यानी कि काइनेटिक जो न्यूरॉन न्यूट्रॉन होता है विद काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कौन से न्यूट्रॉन होगा, वो ऑप्शन ए स्लो न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन बी थर्मल न्यूट्रॉन हो सकता है, ऑप्शन सी फास्ट न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। अगर किसी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होगा, बताइए
ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, स्लो न्यूट्रॉन भी होता है और थर्मल न्यूट्रॉन भी होता है। ये दो खासियत है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.004 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर हो। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय, अगर कोई चार्ज हरकत करता है किसी वायर में तो वो कितने फील्ड उसके गिर्द होंगे। ऑप्शन ए 1 फील्ड, ऑप्शन बी 3 फील्ड, ऑप्शन सी 2 फील्ड, ऑप्शन डी 4 फील्ड। बताइए, ऑप्शन सी 2 फील्ड उनके इर्द गिर्द होगा। नंबर वन, पहले तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से वो हरकत करता है वायर में, तो इलेक्ट्रोटिक करंट होगा इलेक्ट्रिकल। और दूसरा जो फील्ड होता है जब कोई भी चार्ज हरकत करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिकल फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, तो 2 फील्ड हो गए, एक इलेक्ट्रिकली और दूसरा मैग्नेटिकल फील्ड। हमारे पास राइट ऑप्शन आता है सी 2 फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ड्यूरिंग एक्सरसाइज 100 मिलीलीटर ऑफ द आर्टेरियल ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड टू टिश्यू, यानी कि एक्सरसाइज के दरमियान आर्टेरियल ब्लड जो होता है कितना ऑक्सीजन पास ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू को। अगर कोई भी बॉडी एक्सरसाइज में होती है तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से कितना ऑक्सीजन आएगा टिश्यू को, क्योंकि टिश्यू को तो ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। बताइए, ऑप्शन ए 12 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 3 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 5 मिलीलीटर। बताइए, ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर टिश्यू को रिलीज होगा 100 मिलीलीटर आर्टरी ब्लड से। अगर एक्सरसाइज में बॉडी ना हो, नॉर्मल बॉडी हो, तो फिर 5 मिलीलीटर टिश्यू को रिलीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 34। हार्मोन इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाय, हम जानते हैं कि इनहिबिन हार्मोन की क्या काम है, इनहिबिशन करना, किसके इनहिबिशन करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इनहिबिशन हो जाए और वो स्टिमुलेट ना हो जाए रिप्रोडक्शन सिस्टम में, तो हमारे पास हार्मोन इनहिबिन कहाँ से रिलीज होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी प्रोस्टेट, ऑप्शन डी सर्टोरी सेल। बताइए, राइट ऑप्शन इज सर्टोरी सेल, जी हाँ, ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच द आर्टरी ब्लॉक बाय द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, यहाँ पर आर्टरी के बारे में बात बताई जा रही है कि आर्टरी जब ब्लॉक होती है स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल से, तो फिर उसे हम मेडिकल में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आर्टरीस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी एम्बोलिज्म। बताइए, ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये टाइप है आर्टरीस्क्लेरोसिस का, जिसमें स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल से प्लग बनता है और आर्टरी को ब्लॉक करता है, तो आर्टरीस्क्लेरोसिस कैसे कहा जाता है, आर्टरीस्क्लेरोसिस यानी कि जो ऑप्शन ए है वो जब किसी भी वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात बताई जा रही है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो हमारे पास बेसिकली ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस आता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ओलिगोसैकेराइड आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डैश, ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो इनमें से किस मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ऑप्शन ए सीक्रेटिंग प्रोटीन को, या ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, या ऑप्शन सी एंटीबॉडीज को, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए, ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये बनाते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव को, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो दो है, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन, इनमें से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल होता है जो कि लिपिड्स नहीं बने हैं, इनमें से कौन सा है, इंसुलिन, ऑप्शन सी क्योंकि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ये सारे स्टेरॉयडल होते हैं और लिपिड से बने होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इंसुलिन नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, यहाँ पर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, ऑप्शन ए एक्सरे की, ऑप्शन बी गामा रे की, ऑप्शन सी माइक्रोवेव की, ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट की। बताइए, ऑप्शन सी माइक्रोवेव सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, रेप्टाइल फ्लोरिश इन विच पीरियड, रेप्टाइल जो होते हैं स्पेसिफिकली कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुए थे,
या जो पीरियड था उनका, बताइए ऑप्शन ए जुरैसिक पीरियड, ऑप्शन बी मेसोजोइक पीरियड में, या ऑप्शन डी मेटाजोइक मेटाजोलिक में, या ऑप्शन डी बोथ एंड बी में। तो कौन से पीरियड में रेप्टाइल फ्लरिश हुए थे? ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस पीरियड में रेप्टाइल सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुए थे, और जुरैसिक पीरियड जो है उसमें जुरैसिक जो एनिमल्स थे जुरैसिक वो फ्लरिश हुए थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारे पास अगला लास्ट एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो न्यूट्रंस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा, यहाँ पर सारे माइक्रो न्यूट्रंस है लेकिन एक है जो मैक्रो है, तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी पोटाशियम। बताइए कौन सा इनमें से माइक्रो न्यूट्रंस नहीं है? ये तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इसका ऑप्शन आता है या नहीं है। तो ये तो हमारे 40 MCQs, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए और भी हम MCQs अपलोड कर सके और स्टूडेंट की हेल्प कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली के भी और मेरे चैनल के भी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की स्टडी कम्यून नर्सिंग कैट के लिए बहुत ही अच्छी जारी होगी। तो आज हम लाए हैं दोबारा कम्यून नर्सिंग कैट के लिए इम्पोर्टेंट MCQs। तो मैं हमेशा जो MCQs लाता हूँ वो या तो FSC कोर्स से होते हैं, या कम्यून नर्सिंग कैट से, या ETA के इम्पोर्टेंट MCQs। तो ये सारे जो MCQs होते हैं ये KMU के साथ रिलेटेड है और इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प देने वाला है। तो हमारे पास पहला MCQs है, क्वेश्चन नंबर 1, अ कंडीशन ऑफ द एक्सेसिव थर्स्ट ड्यू टू डायबिटीज इज कॉल्ड। डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा थर्स्ट यानी कि प्यास लगती है, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पोलियोरिया, नहीं क्योंकि पोलियोरिया का मतलब है ज़्यादा यूरिन आना। ऑप्शन बी ग्लाइकोसोरिया, नहीं क्योंकि ग्लाइकोसोरिया का मतलब है यूरिन में ग्लूकोज आना। ऑप्शन सी नहीं क्योंकि पोलीपेजिया का मतलब है ज़्यादा भूख लगना। ऑप्शन डी जी हाँ पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया का मतलब है ज़्यादा थर्स्ट यानी प्यास लगना। तो राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पोलियो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इज इफेक्टिव हाउ मेनी परसेंट, यानी कि जो पोलियो वैक्सीन जो हम लगाते हैं तो कितने परसेंट इफेक्टिव होते हैं, काम होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि पोलियो वैक्सीन में 4 डोजेज लगते हैं, और ये 4 डोजेज जो होते हैं कितने परसेंट इफेक्टिव होते हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो बताइए ऑप्शन डी 90%। जी हाँ, हमारे पास 90% इफेक्टिव होते हैं पोलियो वैक्सीन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वैक्सेस आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड। वैक्सेस जो होते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसके साथ क्या होता है? ऑप्शन ए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन बी डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन सी ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि मोनोहाइड्रोक्सी जो होता है 1 OH ग्रुप जब अटैच होता है तो उसको हम मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है। तो यही वैक्सेस के साथ 1 OH ग्रुप अटैच होता है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द ओनली ह्यूमन डिजीज कॉज बाय द वायरॉइड। वायरॉइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये क्या कॉज करता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए डिजीज, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी डिजीज, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी डिजीज, या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस जी डिजीज। बताइए ह्यूमन में कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? इंपॉर्टेंट MCQs, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी डिजीज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बलाटीडियम कोलाई लिव्स इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ व्हाट। बलाटीडियम कोलाई जो होता है किसके इंटेस्टाइन में रहता है? ऑप्शन ए पिग्स एंड कैट, ऑप्शन बी पिग्स एंड मंकी, ऑप्शन सी रेड्स एंड डॉग्स, ऑप्शन डी कैट्स एंड शेप। बताइए हमारे पास कौन से एनिमल में? पिग्स एंड कैट, कबूतर और बिल्ली के इंटेस्टाइन में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पोटो सिस्टम 2 आर कैप्चर बाय। जब पोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो फिर उसे कौन हासिल करता है? ऑप्शन ए प्लास्टरसाइनोन, ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन, ऑप्शन सी
साइटोक्रोम बी ऑप्शन डी पेंटामर्स बताइए। ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है पोटोसिस्टम टू से, और पोटोसिस्टम टू इलेक्ट्रॉन कहाँ से हासिल करता है, वाटर से, तो वाटर से पोटोसिस्टम टू में आता है, पोटोसिस्टम टू से फिर ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन में आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड, जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर कौन से दो यूनिट रिलीज होंगे। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड माल्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज बताइए। ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और जब हम माल्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और जब लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये अपने साथ में अपनी कॉपी में अपने साथ लिख ले हम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे, ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ATS राइबोसोम इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, यानी ATS राइबोसोम जो होता है वो किस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऑप्शन ए 30S एंड 40S, ऑप्शन बी 70S एंड 10S, ऑप्शन सी 50S एंड 30S, ऑप्शन डी 60S एंड 40S बताइए। ऑप्शन डी 60S एंड 40S जब कंबाइन होते हैं तो फिर 80S बनाते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ हार्मोन दैट हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं वो कौन से हार्मोन मदद देते हैं बना प्रोड्यूस करने में बताइए। कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं सीडलेस ग्रेप्स को बनाने में। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एथाइलीन, ऑप्शन डी जिब्रेलिन बताइए। ऑप्शन डी जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सीडलेस ग्रेप्स को बनने में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ओलिगोसैकेराइड क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम जानते हैं कि ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का क्लास है, कॉन्टेन मोनोसैकेराइड ऑफ व्हाट, और मोनोसैकेराइड कितने कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। ऑप्शन ए 2 to 8 यूनिट्स, ऑप्शन बी 2 to 9 यूनिट्स, ऑप्शन सी 2 to 10 यूनिट्स, ऑप्शन डी 2 to 11 बताइए। कितने मोनोसैकेराइड, ऑप्शन सी 2 to 10 यूनिट मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, टर्माइट्स कट्स द वुड्स विद इन हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस बाय, टर्माइट्स जो होते हैं वो वुड को कट करते हैं डाइजेस्ट करते हैं कौन से एंजाइम की मदद से। ऑप्शन ए ट्रैकोनिला, ऑप्शन बी ट्रैपेनोसोमा, ऑप्शन सी ट्रैकोनेम्पा, ऑप्शन डी ट्राइकेना बताइए कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन बताइए, हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी ट्रैकोनेम्पा, ट्रैकोनेम्पा इज द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जी ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ट्रेवल फ्रॉम द, जब लाइट रिएक्शन के जरिए प्लांट्स में खुराक तैयार होता है तो फिर वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है। ऑप्शन ए क्रिस्टिया टू स्ट्रोमा, ऑप्शन बी स्ट्रोमा टू ग्रेना, ऑप्शन सी ग्रेना टू क्रिस्टिया, ऑप्शन डी ग्रेना टू स्ट्रोमा बताइए। खुराक जब बनता है तो फिर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है बताइए। ऑप्शन डी ग्रेना से स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं, ग्रेना में फोटोसिस्टम होता है तो फिर फूड बनाता है, तो बन के ग्रेना से स्ट्रोमा में आता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन स्टोमक द पेप्सिनोजीन इज सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय, स्टोमक में पेप्सिनोजीन जो होता है वो किस से सिंथेसाइज और बनता है, कौन बनाता है। ऑप्शन ए म्यूकस सेल, ऑप्शन बी पैराइटल सेल, ऑप्शन सी हार्मोनल सेल, ऑप्शन डी चीप सेल। तो स्टोमक में पेप्सिनोजीन सेल को कौन बनाता है, ऑप्शन डी चीप सेल। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 14, फोरामिनिफर्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द व्हाट, फोरामिनिफर्स जो होते हैं वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प देता है बताइए, क्या चीज़ बताती है ये हमें। ऑप्शन ए जनरेशन टाइम, ऑप्शन बी जियोलॉजिकल एज, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल टाइम, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल एज। ये फर्स्ट ईयर बॉटनी से लिया गया है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है,
बी जियोलॉजिकल एज, फॉरमिनिफर्स जो होते हैं ये एक प्लांट्स के होते हैं और ये जियोलॉजिकल एज बताता है, बताने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बिसिडोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड, बिसिडोमाइकोटा को हम क्या कह सकते हैं बताइए। ऑप्शन ए क्लब मॉसेस, ऑप्शन बी क्लब फंजाई, ऑप्शन सी सेक फंजाई, ऑप्शन डी ब्रेड मॉल्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन आता है, बताइए। ऑप्शन बी क्लब फंजाई। जी हाँ, हमारे पास बिसिडोमाइकोटा को क्लब फंजाई भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी बाय द रेड ब्लड सेल, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हमारे बॉडी में कितना परसेंट एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसफर होता है, बताइए। यानी कि एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 99%, ऑप्शन सी 87%, ऑप्शन डी 97%, बताइए। ऑप्शन डी, जी हाँ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है, बाकी 3% जो रहता है वो हमारे बॉडी में प्लाज्मा ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज डी 97%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बैक्टीरिया लिविंग इन द गट, बैक्टीरिया हमारे गट में रहती है, फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया जो होते हैं गट में रहते हैं यानी कि इंटेस्टाइन में रहते हैं और कौन से एसोसिएशन के साथ। ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, नहीं। ऑप्शन बी प्रेडेटेशन, नहीं। ऑप्शन सी पैरासिटिज्म, नहीं। ऑप्शन डी कमेंसलिज्म। जी हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो गट में रहते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और वो कमेंसलिज्म एसोसिएशन के साथ रहते हैं। तो हमारे पास यानी कि हमें तो फ़ायदा देता है और उसका जो होता है ना फ़ायदा होता है ना नुकसान, तो इसको कमेंसलिज्म कहा जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। एंड इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो व्हाट, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या नहीं होता। ऑप्शन ए वर्क डन, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ हीट, ऑप्शन सी चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बताइए। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है आइडियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक ख्याली प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, बताइए। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बताइए। ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। पाइटोक्रोम यानी पियर ऑब्जर्व द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ व्हाट, जैसे कि हम जानते हैं कि पाइटोक्रोम जो होते हैं वो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं ऑफ वेवलेंथ व्हाट, बताइए। ऑप्शन ए 600 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 660 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 560 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 730 नैनोमीटर, बताइए। राइट ऑप्शन इज बी 606 नैनोमीटर, यानी कि 660 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट ऑब्जर्व करता है पाइटोक्रोम। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 20। 6 NADH कैन यील्ड हाउ मेनी ATP, 1 NADH कितना प्रोड्यूस करता है, बताइए। तो 6 कितना प्रोड्यूस करेंगे, बताइए। ऑप्शन ए 12 ATP, ऑप्शन बी 38 ATP, ऑप्शन सी 18 ATP, ऑप्शन डी 36 ATP। तो 1 NADH जब 3 प्रोड्यूस करते हैं तो 6 कितने करेंगे, 18 ATP। जी हाँ, हमारे पास 6 NADH 18 ATP प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म बिटवीन व्हाट, फॉस्फोडाइस्टर जो होता है किसके दरमियान बनता है, बताइए। ऑप्शन ए टू न्यूक्लियोटाइड बेसिस के दरमियान, ऑप्शन बी अमीनो एसिड के दरमियान, ऑप्शन सी टू शुगर के दरमियान, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट के दरमियान, बताइए। ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बनता है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हम जानते हैं कि इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि न्यूटन डिवाइड बाय कूलम जो चार्ज का यूनिट है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए न्यूटन डिवाइड बाय कूलम चार्ज, ऑप्शन बी वोल्ट डिवाइड बाय मीटर, ऑप्शन सी जूल डिवाइड बाय कूलम डॉट मीटर, ऑप्शन डी आला। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है, वैसे तो यूनिट जो होता है इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइड बाय सी, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए आता है, लेकिन
हम ये जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे हमारे पास वोल्ट पर मीटर भी आता है और हमारे पास जूल पर किलोमीटर भी और आलोक दिया बहुत। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए नहीं आता बल्कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी आता है, तो आलोक दिया बहुत ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फोटो रिस्पायरेशन कैन जनरेट हाउ मेनी एटीपी। फोटो रिस्पायरेशन में कितने एटीपी जनरेट होते हैं? ऑप्शन ए 4 एटीपी, ऑप्शन बी 36 एटीपी, ऑप्शन सी 32 एटीपी, ऑप्शन डी नो स्पेसिफिक एटीपी। बताइए ऑप्शन डी नो एटीपी विल बी प्रोड्यूस इन द फोटो रिस्पायरेशन। नाम से जरूर होता है फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है, कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी थर्मोस्टेट इज डैश, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो थर्मोस्टेट होता है यानी थर्मोस्टेट के साथ कंपेयर किया जाता है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी पॉन्स, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी में थर्मोस्टेट कैसे कहा जाता है, जो कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को, तो ऐसे हम हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, तो राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ड्रिंकिंग वाटर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साफ पानी में जो हम पीते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम कैसे मालूम करते हैं? ऑप्शन ए COD, ऑप्शन बी TOC, ऑप्शन सी BOD, ऑप्शन डी TDS। बताइए राइट ऑप्शन इज डी TDS। TDS का मतलब क्या होता है बताइए? TDS का मतलब है डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि ये जो सॉलिड होते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, तो हम इसे मालूम कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है किसी भी ड्रिंकिंग वाटर में। तो हमारे पास टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं हम इसे मालूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट डिजीज सिम्टम अपीयर ड्यूरिंग विच फेज, यानी कि किसी भी डिजीज में मोस्टली जो सिम्टम अपीयर होते हैं तो कौन से फेज में, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो कौन से फेज में आता है बताइए? ऑप्शन ए लेग फेज, ऑप्शन बी लॉग फेज, ऑप्शन सी डाई फेज, ऑप्शन डी जनरेशन टाइम। बताइए राइट ऑप्शन इज बी लॉग फेज में क्या होते हैं, इसमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं डिजीज के, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, एंडोटॉक्सिन आर रिलीज ओनली व्हेन द बैक्टीरिया से एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होते हैं बताइए? ऑप्शन ए एक्सक्रीट, ऑप्शन बी रिप्रोड्यूस, ऑप्शन सी डिक्लाइन फेज में, या ऑप्शन डी स्टॉप फेज में। बताइए राइट ऑप्शन इज सी डिक्लाइन फेज में क्या होता है, एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं बैक्टीरिया से, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मैच्योर ओवम इन ह्यूमन बीइंग इज सराउंडेड बाय, ह्यूमन बीइंग का जो मैच्योर ओवम एग है वो कितने लेयर से और कौन से लेयर से सराउंड है, कितने लेयर उसको सराउंड करते हैं, कौन सा लेयर बताइए? ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ऑप्शन बी वेटिलाइन मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी कोरोना रेड मेम्ब्रेन, या ऑप्शन डी अलग देवा। बताइए यहाँ पर सारे तीनों लेयर क्या करते हैं, मैच्योर ओवम को ह्यूमन बीइंग में सराउंड करते हैं एज अ मेम्ब्रेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फ्रोन ऑन समबडी मींस, फ्रोन ऑन समबडी नाम से जाहिर होता है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए फॉल फ्लैट अपॉन अ स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर पर गिरना, स्टे अलाइव वर्किंग हार्ट, ऑप्शन सी अनेबल टू बी सक्सेसफुल, ऑप्शन डी डिसअप्रूवल ऑफ द समबडी। बताइए ऑप्शन ए फॉल फ्लैट अपॉन स्ट्रेंजर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द आउटर वॉल ऑफ द गर्ड सीरीज डेज, ये हमने पिछले एमसीक्यू में पढ़ा है, तो बताइए आपको, आपके ख्याल में आपने तो पढ़ा है पिछले एमसीक्यू में, पिछली वीडियो में, तो आपको कौन सा लग रहा है कमेंट करके आप बता दीजिए। तो हमारे पास अगला एमसीक्यू है 31, द ब्लड फ्लो इन मिलीमीटर पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू स्किन, कितना ब्लड स्किन की तरफ जाता है एक्सरसाइज के दौरान? ऑप्शन ए 1500 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 1600 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 1800 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 1900 मीटर। ये भी हमने पिछले एमसीक्यूज में पढ़ा है, बताइए शाबाश। ऑप्शन सी 1800 मिलीलीटर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
एक्सरसाइज के दौरान हमारे स्किन की तरफ इतना ब्लड जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गवानीन एंड सिस्टोसिन। तो बताइए गवानीन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बताइए। ये भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको ये याद रखना चाहिए, आपने ऑलरेडी बायोलॉजी में सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज 100 मिलीलीटर ऑफ द एटीओर ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड टू टिश्यू, यानी कि एक्सरसाइज के दौरान 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में से कितना टिश्यू को जाएगा, टिश्यू को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कितना मिलीलीटर बताइए एक्सरसाइज के दौरान। ऑप्शन ए 12 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 3 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 5 मिलीलीटर, बताइए ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर। और अगर एक्सरसाइज ना हो तो फिर नॉर्मली 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा टिश्यू को। तो ये हमने कुछ लास्ट 4 to 6 एमसीक्यूज पिछले वीडियो में जो हमने अपलोड किए थे वही दोबारा रिवाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों के रिवाइज भी सके और आप लोगों को अपने आप का पता चल सके कि आप लोगों को कितना याद होता है इस वीडियो से। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हार्मोन इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाई, कल भी इस पर मैंने बात की थी कि हार्मोन इनहिबिन जो होते हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सर्टुली सेल से। और सर्टुली सेल जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं ये सेल। हार्मोन इनहिबिन का काम क्या होता है, इनहिबिशन करना, नाम से जाहिर होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच द आर्टरी ब्लॉक बाय द कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मली हम जानते हैं कि आर्टरी स्क्लेरोसिस में आर्टरी ब्लॉक होते हैं, लेकिन किसी भी वजह से, नैरोइंग की वजह से, लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एथेरोस्क्लेरोसिस इसको कहा जाता है मेडिकल टर्म। तो ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है। अगर नॉर्मली आर्टरियल ब्लॉकेज की बात की जाए तो फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अब एथेरोस्क्लेरोसिस का एक टाइप है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ऑप्शन बी, और इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है हमारी आर्टरी में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ओलिगोसैकेराइड आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो बताइए ओलिगोसैकेराइड होता है किस चीज़ को बनाते हैं इनमें से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सिक्रेटिंग प्रोटीन को भी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को भी, एंटीबॉडी को भी, ये भी मैंने आपको दोबारा रिवाइज कराया। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। हम जानते हैं, ये हमने पिछली 2-3 बार हमने पढ़ा कि स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड्स से बने होते हैं, और ये कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सारे इसमें होते हैं। इंसुलिन जो होता है नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है, और इसका काम जो होता है ग्लूकोज को क्या करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, बताइए, ये आपने पढ़ा है कल, बताइए। ऑप्शन सी माइक्रोवेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रेप्टाइल फ्लोरिश इन विच पीरियड, रेप्टाइल कब ज़्यादा फ्लोरिश हुए थे, यानी उसका पीरियड कब था रेप्टाइल का, कौन से एरा में, बताइए। राइट ऑप्शन इज, ये भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने ये कल मैंने आपको ये सारे एमसीक्यूज पढ़ाई है, ये जो आखिरी में आपको 5-6 एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, बताइए। बहुत से स्टूडेंट ने इस आंसर को कमेंट नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप तो मेरे साथ कम्युनिकेट हुआ करें ना, मुझसे आप पूछा करें कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी अगर इम्पोर्टेंट बात के मेरे रिलेटेड पूछनी होती है। तो मैंने आपको इसलिए लास्ट एमसीक्यूज देता हूँ ताकि आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सके और मैं आपको आपके सवालों की जवाब दे सकूँ और आप पूछ सके, तो मेरा इसका यही मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना, और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें फेसबुक को, ग्रुप में वगैरह में और दूसरे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट की बहुत ज़रूरत होती है इस एमसीक्यू, इन एमसीक्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर के एमसीक्यूज है नर्सिंग कैट के लिए, और इसके अलावा ये एमसीक्यूज एफएससी कोर्स से लिए गए हैं। बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एमसीक्यूज आपने कहाँ से उठाए हैं, तो ये सिंपली एफएससी कोर्स, ईटा कोर्स है, और
केमी नर्सिंग कैट पास पेपर से। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आपके लिए दुआएं कि आप केमी नर्सिंग कैट में बहुत अच्छे नंबर हासिल करें और कर सके। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।